बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है, कि हर एक नंबर के लिए आपके पास में 2 मिनट है। तो अब अगर हम सेक्शन ए पे कूदें, सोशल साइंस में आपके कितने सेक्शन है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, सेक्शन ए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इसका मतलब क्या कि 40 मिनट दे दे क्या सर? नहीं, सुनो मेरी बात यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आपको ये समझना होगा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारा सब कुछ आप जैसे सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं मान लो, तो एक बार बस मेरे लिए एक बार आप इस प्लान के हिसाब से अपना सैंपल पेपर सॉल्व करना, ठीक है, ये पेपर पे जो आप लिख रहे हो ना कि सेक्शन ए में सेक्शन बी में सेक्शन सी में कितना कितना समय लग रहा है, तो एक बार इस प्लान के हिसाब से सैंपल पेपर सॉल्व करना, देखना आपको लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया, जब भी आपका पेपर टाइम से पहले कंप्लीट हो गया और आपको बहुत इफेक्टिवली सारी चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये होमवर्क रहेगा, डन करते हैं कि सभी लोग एक एक सैंपल पेपर जो सॉल्व करोगे तो इस प्लान के हिसाब से करोगे, क्लियर है। अब जैसे सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चन है 20 मार्क्स, तो स्ट्रेटजी 1 मार्क को 2 मिनट, तो उस हिसाब से क्या सर यहाँ पे 40 मिनट लगा दें? देखो क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया 10:30 के पहले ही आपने लीड ले ली है, कैसे लीड ली है, तो आपने रीड कर लिया, प्लान बना लिया। और एमसीक्यूज में क्या होता है कि यहाँ पर ऐसा स्टार मार्क कर दें, इसे प्रोडक्ट पे आता है ना टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, तो वैसे ही क्या होता है कि एमसीक्यू में हर एक एमसीक्यू में अगर बी लिख के सिर्फ आपको कोलेटरल लिखना है तो उसमें 2 मिनट नहीं लगेंगे, समझना है ना। तो तुम बैठ जाओ कि नहीं सर मैं तो पेन आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य हूँ, आपने 40 मिनट बोला था तो मैं अगर 10 मिनट में हो गया तो 30 मिनट ऐसे हाथ पैर घड़ी करके बैठ जाऊंगा, नहीं, ठीक है। तो वहां आपको टाइम मैनेज करना होगा। तो जैसे अगर हम देखें इफेक्टिवली, तो इफेक्टिवली क्या है, हम बहुत समय दे रहे, आधा घंटा लगता नहीं है, लेकिन आधा घंटा दे दिया अच्छे से मार्जिन वगैरह बना के सारे सेक्शंस वगैरह ड्रॉ करके, ठीक है, आपने ये कंप्लीट कर लिया। तो अब देखो क्या है कि आपको 30 मिनट में करना होगा, 40 मिनट में नहीं, 20 नंबर का जरूर है स्ट्रेटजी हमारी, एक नंबर का 2 मिनट की, लेकिन हम ये 30 मिनट के अंदर ही खत्म कर लेंगे। ऐसे भी बच्चे होंगे जो 20 मिनट में ही खत्म कर देंगे, 15 मिनट में ही खत्म कर देंगे। तो ये कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि हमने पढ़ पहले ही लिया है ना, ये कंप्लीट करने के बाद में अगर टाइम बच रहा है तो वो बी सी डी वाले सेक्शन में इस्तेमाल कर लेंगे, टाइम नहीं बच रहा है तो क्या हो रहा है, मतलब फिर भी टाइम बचेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम बचेगा यहाँ पे। तो डेडलाइन जो है आपकी 10:30 से 11 के बीच में आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ 10 मिनट बचा लिए हमने, ठीक है। तो अब क्या है, सेक्शन बी पर जब आओगे तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन, 2 नंबर के एक है, 8 नंबर, मतलब 16 मिनट देना है क्या? नहीं, 16 मिनट क्यों देना है? अब देखो डिस्क्रिप्टिव में समय लगता है, ये 4 क्वेश्चन है भले ही 2 नंबर के, लेकिन जब लिखना है तो समय लगता है, तो उस हिसाब से क्या है, उस हिसाब से आपको हम यहाँ पे 4 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कहाँ से आए सर ज्यादा, ठीक है। तो इधर 10 मिनट चोरी किए थे हमने, तो 4 मिनट इधर आ गए आपके, ठीक है, मतलब हिसाब किताब समझ लेंगे सब, क्योंकि एक ही पेपर है ना, तो सब आपस में हिसाब किताब समझ लेंगे, 3 घंटे में सभी सेक्शन को करना है, तो सेक्शन पूरा नहीं मानेंगे। और मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा मत बैठ जाना हाथ पर फोल्ड करके, 10:30 11 का बोला था तो मेरा तो 10:25 भी हो गया तो मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मैनेज करना है वहाँ पे ऐसा। अब क्या होता है, 11 बजे से आप ये चालू करेंगे तो आप क्या कर लो, 16 मिनट की जगह इसको 20 मिनट लो, ठीक है। 20 मिनट में 4 क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, शॉर्ट आंसर वाले, वेरी शॉर्ट आंसर वाले। तो 11:20 पे आपका सेक्शन बी हो गया। अब सेक्शन सी पे कूदते हैं, तो सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 से 29, 5 क्वेश्चन है, 25, 26, 27, 28, 29, 3 नंबर के हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा समय देना पड़ेगा इसको, ठीक है। 15 मार्क्स के हैं तो क्या 30 मिनट में हो जाएंगे? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ 40 मिनट लो, 10 मिनट कहाँ से आए, तो 6 तो अपन ने इधर से बचे हुए चोरी किए थे, ठीक है, लेकिन वो मैनेज हो जाएगा, अभी आगे हम रिड्यूस कर देंगे समय, मैं बता रहा हूँ कैसे, ठीक है। तो आपको यहाँ 40 मिनट दिए, तो आपका 11:20 के बाद में जैसे आप देख रहे हो, तो 11:20 से 12 तक सेक्शन सी कंप्लीट हो जाना चाहिए, समझ में आया, 11:20 से 12 तक। तो इसको 30 मिनट की जगह 40 मिनट लो यहाँ, ठीक है, यहाँ 40 मिनट लो, यहाँ 20 मिनट लो, और यहाँ 30 ही मिनट लो, ठीक। तो ये आराम से होगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका 11:20 से 12 तक ये कंप्लीट होगा 40 मिनट में सेक्शन सी, 5 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी में ही है, बाकी सेक्शन डी में भी 4 ही है, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है तो वो 5 है यहाँ पे ना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते हैं तो समय ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और थोड़ा सा 19:20 चलेगा, लेकिन ये आपको मैंने एक बोलते हैं ना कि सेक्शनल टाइमिंग्स बता दिया कि कितना कितना करना है। आगे बढ़े अगर, तो सेक्शन डी आया हमारा, पैटर्न वही है कि 80 नंबर का पेपर है, 160 मिनट है हमारे पास, 20 मिनट तो हमने गायब ही कर दिए हैं, तो स्ट्रेटजी वही रहेगी। अब सेक्शन डी पे आए हम, सेक्शन डी में क्या दिख रहा है आपको, सेक्शन डी में दिख रहा है कि 5 नंबर के 4 क्वेश्चन है, 20 नंबर हो रहे हैं, 20 नंबर हो रहे हैं, तो क्या है कि 1 नंबर पे 2 मिनट, तो 20 नंबर पे 40 मिनट दिए तथा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो बड़े आंसर भी लिखना है, तो हर एक बड़े आंसर पे 10 मिनट मिल रहा है आपको, खूब आराम से होगा, ठीक है। 10 मिनट में एक बड़ा आंसर खूब आराम से लिख सकते हो, तो 12 बज गई थी, ठीक है। तो 12 से 12:40 तक में आपको ये सेक्शन डी कंप्लीट कर लिया, मेजर पेपर आपका कंप्लीट हो गया है। अब बच क्या रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ काटा पिटी नहीं हो रही है, इसका हिस्सा इसको पूरा पूरा मिल गया। अब यहाँ देखोगे सेक्शन ई आया आपका, सेक्शन ई में क्या है,
केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे पैसेज वाले, ठीक है। तो वो भी देखो, वो जो लीड वाला मैंने आपको बताया था ना 15 मिनट शुरू में, सब कुछ पढ़ लेना अच्छे से, तो आपको आधे आंसर तो उसी समय समझ आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपके तीन पैसेज हैं, तीन में जैसे आप देखेंगे तीन तीन क्वेश्चन होते हैं, तो दो दो क्वेश्चन मतलब एक एक क्वेश्चन जो रहेगा दो नंबर का रहेगा, बाकी तो एक एक नंबर की रहेंगे, एक एक नंबर के आप फटाफट भी कर सकते हो। तो ब्रॉडली भी अगर बात करें कि 12 नंबर का पेपर है, मतलब 12 नंबर का सेक्शन है, 24 मिनट देना चाहिए क्या, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि 24 की जगह आप क्या करो 20 करो, 20 में हो जाएगा, ये 20 मिनट में हो जाएगा। अगर आप बोलो सर नहीं 20 में नहीं होगा, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इधर 40 मिनट दिया है, ठीक है, इधर पीछे वाले में भी 40 मिनट दिया, तो इधर से एडजस्ट हो जाएगा। पर पॉइंट क्या ध्यान रखना आपको कि पॉइंट ये ध्यान रखना आपको कि अगर 11:40 पे आपका सेक्शन डी खत्म कर रहे हैं आप, सेक्शन ई जो चालू करेंगे, सॉरी 12:40, ठीक है, सेक्शन डी अगर 12:40 पे खत्म कर रहे हैं और 12:40 से अगर सेक्शन ई चालू करेंगे, तो वो आपका 1 बजे तक, मतलब 20 मिनट में, 24 मिनट की जगह इसको हम 20 मिनट दे रहे हैं, क्योंकि आप कर लोगे व्हाट आई पर्सनली फेल्ट, ठीक है, कि इतना समय पर्याप्त है। 20 मिनट में आपका 20 मिनट में अगर आप देखेंगे हर एक सेक्शन पे आप अप्रोप्रिएट मतलब अप्रोक्सीमेटली सात सात मिनट दे रहे हैं, तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 20 मिनट में हो जाएगा, 20 मिनट में ये हो गया, तो कितनी बज गई, 1 मिनट। अब 1 के बाद में क्या हो रहा है, 1 के बाद में आप जैसे देखोगे तो अब आप